तो कल हम लोग ऑफसाइट फंक्शन किए थे लास्ट, तो अभी बस दो तीन टॉपिक और बचा हुए, फिर हम लोग का बेसिक्स ख़त्म हो जाएगा। दो तीन टॉपिक्स और है, तो क्रिएटिंग चार्ट्स, चार्ट्स कैसे बनाते हैं उसका बेसिक सीखेंगे अभी हम लोग। बेसिक एज इन जितना भी एलिमेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे वो सारे ही सीख लेंगे। जब हम लोग क्लास में CMN में बहुत काफ़ी जगह चार्ट्स यूज़ करते हैं, तो वो जब हम लोग बनाएंगे तो एक एक करके उस सूटेबल सिनारियो में कौन सा चार्ट इज़ मोर सूटेबल, वो उस चीज़ में हम लोग फिर और आगे सीखेंगे। अभी हम लोग बस एक ओवरव्यू लेते हैं कि किस टाइप के चार्ट्स हैं, कैसे यूज़ करते हैं। जब हम लोग एक एक करके करेंगे आगे CMN में यूज़, तो हम लोग को पता चलेगा कि कौन से जगह पे कौन सा चार्ट सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। अब मेरे पास 2010 है वर्जन, 2007 तो यूज़ कर नहीं सकते, राइट? तो अगर 2010 है तो मेरे जैसा फीचर्स रहेगा। इफ़ हायर वर्जनस आर देयर, जैसे कि 2016 के फीचर्स अलग होते हैं चार्ट के थोड़े, पर ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा डिफरेंस है, तो वो तुम लोग देख लेना। एक क्लास में हम लोग 2016 भी यूज़ कर लेंगे वर्जन, ताकि जिनका 2016 है या फिर उससे आगे का वर्जन है तो उनको ईजी रहेगा, ठीक है? मोस्टली सबके पास ये वाला वर्जन होगा आई गेस। यहाँ पे अभी 7 है ना, तो 7 का फीचर्स, हाँ, अभी चल जाएगा, पर एग्ज़ाम, हाँ। और तुम लोग के पास 7 है सबके पास, 16 तुम, हाँ ठीक है। तो तुम लोग का एक दिन हम लोग वो यूज़ कर लेंगे ताकि ईजी हो जाए तुम लोग को। तो ये वाला जो डेटा था, इसी पे हम लोग इसी को मैनिपुलेट करते थोड़ा सा, इसी पे चार्ट्स बनाते, देखते कैसा बनते हैं। चार्ट्स देखना, यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाना, यहाँ पे चार्ट्स वाला पूरा मेरा रीजन है जहाँ पे कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट में देख लो, दिस इज़ द नॉर्मल कॉलम चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट बोलते हैं इसको। स्टैक्ड मतलब कि एक के ऊपर एक जो बनता है क्लस्टर, फिर ये हो गया क्लस्टर्ड बोल दो या फिर स्टैक्ड बोल दो, कैसे बनते हैं एक के ऊपर एक, ही हार्डली कभी हम लोग CMN में यूज़ करेंगे, ठीक है? बेसिकली हम लोग ये यूज़ करते हैं क्लस्टर्ड कॉलम। ये कब यूज़ होते हैं? फॉर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा मतलब कि सपोज मुझे दे दिया कि टाइम 10 पे ये अमाउंट है, टाइम 20 पे ये अमाउंट है, टाइम 30 पे ये अमाउंट है, सो ऑन। तो ये क्या हो गया, एक डिस्क्रीट, एज इन कंटिन्यूस नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मेरे पास डेटा है ना, तो हम लोग फिर उस समय क्लस्टर्ड कॉलम, नॉर्मल कॉलम चार्ट यूज़ करते हैं। बार चार्ट भी होता है, पर बार चार्ट हम लोग यूज़ नहीं करते जनरली, ये वाला रिप्रेजेंटेशन हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते। दीज आर द वर्टिकल बार्स, दीज आर द हॉरिजॉन्टल बार्स, जनरली हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे CMN में, ठीक है? फिर हो गया लाइन चार्ट, लाइन चार्ट भी काफ़ी यूज़ होते हैं। लाइन चार्ट यूज़ होते हैं जनरली इन द कंटिन्यूस केस, जैसे कि कंटिन्यूसली या फिर मुझे हर पॉइंट पे 1%, 2%, 3%, 4%, इन सारे इंटरेस्ट रेट्स पे सपोज मेरा प्रेजेंट वैल्यू निकाला हुआ है, तो हम लोग उसको कैसे इंटरप्रेट, कैसे हम लोग चार्ट में दिखाएंगे, वील यूज़ लाइन चार्ट। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट, देखो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट है डॉट्स खाली, या फिर ये सारा चीज़ एक एक करके तुम लोग को समझ में आएगा जब हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे CM1 में। तो अभी के लिए सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कैसे एक चार्ट ही बनता है। पाई चार्ट किया हुआ होगा सबका, स्कूल लेवल पे सबका पाई चार्ट किया हुआ होता है, कैसे होता है हम लोग एक एक करके करते हैं। यहाँ पे सपोज मैथ्स के मार्क्स का बनाते हैं, अभी फर्स्ट लेते हैं कॉलम चार्ट, तो क्या करेंगे, सिंपली पहले नेम एंड मैथ्स का मार्क्स, ये दोनों कॉलम सिलेक्ट करेंगे। ये दोनों कॉलम सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट टैब है कॉलम चार्ट, हम लोग कल क्या सीखे थे, शॉर्टकट की यूज़ करना, Alt+N+C, ठीक है? ये वाला एंटर किया तो मेरा अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला चार्ट आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला चार्ट आ गया मेरा। ये अब इस चार्ट को समझते हैं, चार्ट को समझते हैं। देर आर फाइव एलिमेंट्स इन अ चार्ट, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? चार्ट एरिया, चार्ट एरिया क्या हो गया, ये पूरा, ये जो मेरा वाइट बॉक्स है जहाँ पे पूरा चार्ट आया है, सो दिस इज़ द चार्ट एरिया। ये जो ग्रिड लाइन्स दिख रहे हैं, दिस इज़ द प्लॉट एरिया, दिस इज़ द प्लॉट एरिया, ठीक है? और क्या होता है, देखो डेटा पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स मतलब कि अगर चार्ट पे क्लिक करके सिर्फ कर्सर को यहाँ लेके जाओ तो देखना लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैथ पॉइंट अनुष वैल्यू 67, मतलब कि एक्स वैल्यू क्या है अनुष एंड वाई वैल्यू क्या है 67, दिख रहा है ये चीज़। सो दीज आर द डेटा पॉइंट्स,
दीज आर द डेटा पॉइंट्स, ठीक है, समझ में आया? प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया, डेटा पॉइंट्स, और क्या होते हैं? एक्सिस, लेजेंड। एक्सिस क्या हो गया? ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। लेजेंड मतलब ये मेरा लेजेंड है, जो हम लोग स्कूल लेवल पे की बनाते थे ग्राफ्स में, साइड में की बनाते थे ना ज्योग्राफी में, यहाँ पे हम लोग उसको लेजेंड बोलते हैं। सो दिस इज़ द लेजेंड, दिस इज़ द चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल। अब हमेशा जब हम लोग चार्ट बनाएंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल करना पड़ेगा, तो वो लेबल उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सिस टाइटल्स। दिस इज़ द मेन टाइटल, इसको लेबल करेंगे अभी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सिस टाइटल्स, ठीक है। एक्सिस टाइटल कहाँ से लेबलिंग होगा? यहाँ पे देखना, जब तुम लोग ने चार्ट को क्लिक किया है तो यहाँ पे एक चार्ट टूल्स का ऑप्शन आ गया होगा, दिख रहे हैं? जिन लोग 13 यूज़ कर रहे हो उन लोग के में लेआउट नहीं आया होगा, क्या बनी है? चार्ट पे क्लिक करोगे तो, हाँ, तो ये लेआउट नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना? तुम लोग के डिज़ाइन में जाना, यहाँ पे साइड में क्विक लेआउट होगा, नहीं, क्विक लेआउट का ऑप्शन है इधर। तुम लोग के 2013 और 2016 में क्विक लेआउट का ऑप्शन दिखा, सो सेम चीज़ है। तो हम लोग लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ देखो ये सारे पॉइंट्स बहुत काम आते हैं, ये सारे ऑप्शंस। पहला क्या है? चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल अभी ऑलरेडी आ गया, अगर नहीं आए बाय डिफ़ॉल्ट तो हम लोग चार्ट टाइटल, अबव चार्ट या फिर सेंटर्ड टाइटल, दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं, इसको रीनेम भी कर सकते हैं हम लोग सिंपली क्लिक करके इस पर। मैंने सपोज लिख दिया मैथ मार्क्स, ठीक है, रीनेम कर सकते हैं। चार्ट टाइटल, उसके बाद देखो एक्सिस टाइटल्स का ऑप्शन है, एक्सिस टाइटल का ऑप्शन देखा। एक्सिस टाइटल के ऑप्शन में देखना, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का टाइटल। प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल मतलब वाई एक्सिस का टाइटल। तो एक्स एक्सिस का टाइटल हम लोग देंगे टाइटल बिलो एक्सिस, यहाँ पे क्या देंगे? नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो लिख दो नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट्स नेम। सिमिलरली एक्सिस टाइटल में जाके वर्टिकल एक्सिस टाइटल देंगे मार्क्स, ये क्लियर हुआ? लेजेंड भी ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, हटा सकते हो, पोजीशंस चेंज कर सकते हैं लेजेंड का, अभी के लिए नहीं करें, अभी यहीं पे रहने दो इसको, ठीक है। जनरली जब एक ही सीरीज यूज करते हैं, एक ही सीरीज यूज करना मतलब यहाँ पे खाली मैथ्स का मार्क्स हमने डाला है, तो अगर ये लेजेंड नहीं यूज करेंगे ना तो भी चलेगा, तो भी समझ में आ जाएगा कि ये मैथ्स का मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं, अभी के लिए रहने देते हैं। उसके बाद डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स क्या हो गया? ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देन ये क्या है बेसिकली, सपोज मैंने सेंटर किया तो जो भी उसका वैल्यूज है वो आ जाएगा, जो भी डेटा पॉइंट्स का वैल्यूज है वो आ जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला? डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स देखो इनसाइड, ये सारा यहाँ पे बनाया हुआ भी है तो तुम लोग को देख के समझ में आ जाएगा कि वो जो वैल्यू है एक्स वाई एक्सिस का वैल्यू है वो कहाँ लिखा हुआ आएगा, तुम लोग को वो देख के समझ आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? डेटा टेबल अभी के लिए छोड़ते हैं, अभी इसका जरूरत नहीं है हमें, अभी के लिए से छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखना, एक्सिस हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी के लिए इसको भी इग्नोर करते हैं। बेसिकली यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर एक्सिस, ठीक है, अभी के लिए उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रखेंगे, हम लोग को उल्टा वे में नहीं चाहिए, ठीक है, तो अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दो। ग्रिड लाइंस, तुम लोग बहुत जगह देखोगे कि चार्ट में ग्रिड लाइंस, यहाँ पे ये जो ग्रिड लाइंस है मेरा, दीज आर द हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस, ठीक है, तो अगर इसको हटाना है
तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस नन कर दिया तो ये हट जाएंगे। वापस लेके आने कैसे लेके आओगे? हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस, मेजर ग्रिड लाइंस। अब इस पर क्लिक करके भी इसे हटा सकते, देखना ग्रिड लाइंस पे, यहाँ पे एक बार देख लो फिर करना। क्लिक करके भी इसे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस, एकदम नॉर्मल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है ये, एंड जितना ज़्यादा हम लोग आगे यूज़ करेंगे तो और क्लियर होती जाएगा, याद होते जाएगा, ठीक है। अभी लेआउट में ग्रिड नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? नॉर्मल, एकदम नॉर्मल सिंपल चीज़ करें। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का भी ऑप्शन होता है, हार्डली कभी यूज़ करेंगे ये वाला चीज़, देख लो क्या होता है। टेक्स्ट बॉक्स अगर मुझे नॉर्मली इंसर्ट करना हो अपने चार्ट में एंड कुछ टाइप करना हो तो इंसर्ट करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका ज़रूरत नहीं है हमें एंड ये हार्डली कभी यूज़ करना पड़े हमें। यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एक चार्ट है, इस चार्ट में मुझे अब इंग्लिश के मार्क्स को ऐड करने हैं, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे? इसी चार्ट में करना है, पहले देखो फिर करना। चार्ट पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया चार्ट पे, उसके बाद क्या करेंगे? सिलेक्ट डेटा, राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा किया, उसके बाद ऐड। यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन है, सीरीज़ नेम में चला जाएगा इंग्लिश। सीरीज़ नेम का मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे मैथ्स आ रहे हैं वैसे यहाँ पे फिर इंग्लिश आएगा, एक और जब हम लोग सीरीज़ ऐड कर देंगे। एक्स एक्सिस तो वही रहेगा, नेम्स वही रहेंगे, ये मेरा नेम्स वही है। वाई एक्सिस पे प्लॉट करें एक और ऑप्शन, एक और सीरीज़। यहाँ पे सीरीज़ वैल्यू में सिंपली ये सारे वैल्यूज़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। दिख रहा है प्रिव्यू? सही है, बस ओके करना है मुझे एंड एंड मेरा ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ट्राई करो इसे, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट डेटा करो, ऐड करो एंड ये हमें मिल जाएगा। हाँ हमेशा, हाँ हाँ वो भी सेम होगा ऑब्वियसली। तुम दूसरा टाइप ऑफ डेटा क्यों ही प्लॉट करेगा? हाँ राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक किए चार्ट पे, सिलेक्ट डेटा आया। नहीं टाइप कर भी सकते हैं या फिर ये वाला सेल सिलेक्ट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, तुम कहाँ पे राइट क्लिक कर रही हो? सिंपली ये चार्ट है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इंग्लिश लिखो या फिर ये वाला सिलेक्ट करो। ये पूरा सबका बना क्या? ऐसे सबका वहां पे बना, ये वाला बना तुम लोग का, ये वाला। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इसमें यहाँ पे हम लोग और भी, जैसे एज ऐड करना है तो एज भी ऐड कर सकते हो, पर ये ऐड कर सकते हैं क्या? जेंडर ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वाई वैल्यूज़ कैसे आएगा, फीमेल मेल कैसे रिप्रेजेंट होगा, नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम लोग ऐड करना सीखे, सिमिलरली हटा भी सकते हो, राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा, यहाँ पे इसको हटाना है तो रिमूव, अभी के लिए नहीं हटा रहे, हटाना हो तो ऐसे हटा सकते हैं। एक लास्ट चीज़ सीखते हैं, सपोज मुझे अपना वाई एक्सिस का लेबलिंग चेंज करना है, लेबलिंग एज इन ये 0, 10, 20 वैसे है ना, मुझे 0, 5, 10 उस फॉर्म में चाहिए अगर, तो सिंपली इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सिस, फॉर्मेट एक्सिस का ऑप्शन आया, ठीक है। ये देखना, मिनिमम वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मैक्सिमम वैल्यू इट इज़ गोइंग अप टू 100 एंड मेजर यूनिट मतलब कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है इन दोनों यूनिट के बीच में वो 10 है अभी,
तो यहाँ पे 10 था, इसको 5 करते हैं, इसको 5 कर दो, इसको 5 कर दो, ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, हम लोग यहाँ पे बहुत क्लमजी लग रहे हो ऑब्वियसली, तुम लोग को दिखाने के लिए कि कैसे होते हैं, चार्ट का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो थोड़ा बेटर लगेगा। तो ये एक चीज़ हो गया, और क्या होता है देखो, और यहाँ पे अगर सपोज़ अभी तो ये नंबर है जनरल है, सपोज़ यहाँ पे कुछ हम लोग परसेंटेज प्लॉट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन डाल देंगे, डेट प्लॉट करें तो डेट का ऑप्शन डाल देंगे, एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन योर डेटा। क्लियर हुआ? वो हम लोग सीखेंगे विथ टाइम, जैसे जैसे हम लोग यूज़ करेंगे अपना दूसरे डेटा, उस पर ग्राफ्स बनाएंगे, वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। क्लियर हुआ? राइट क्लिक करो इस पर, फॉर्मेट एक्सेस तुम्हारे में राइट साइड में आएगा, राइट साइड में ओपन होगा एक्सेस ऑप्शंस में आएगा। एक दिन हम लोग उस पर भी करेंगे ट्राई, ठीक है, एक दिन हम लोग 16 पे भी करेंगे ताकि जिनका 16 है उन्हें और क्लियर हो जाए, ठीक है, एक दिन उस पर भी करेंगे। बस इसी में दिक्कत होता है थोड़ा, पर उसका ज़रूरत नहीं पड़ता, तुम लोग के पास 2016-19 है तो उसमें ऑटोमेटिकली इतना अच्छे से ग्राफ बन के आते कि उसमें फॉर्मेट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। जिनका 7 है उनको थोड़ा ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ता है बिकॉज उनका प्रॉपर वे में नहीं आता, जिनका 16 है उनके में अपने आप जब तुम लोग सिलेक्ट करते हो ना डेटा और इंसर्ट में जाते हो तो यहाँ पे एक रिकमेंडेड चार्ट्स का ऑप्शन आता है, तो वो अपने आप तुम लोग का बहुत अच्छा चार्ट बन जाता है जिनका 16 है, हायर वर्जन है, ठीक है, तो एडिटिंग का ज़रूरत ही नहीं पड़ता उतना। ये समझ में आया फॉर्मेट एक्सेस कैसे करते हैं? अगर मुझे अपना चेंज करना हो टाइटल एक्सेस को, एक्सेस के रेंज को मुझे चेंज करना हो तो हम लोग ऐसे करेंगे। क्लियर हुआ अभी ये पूरा? ये पूरा क्लियर हुआ चार्ट मेरा? अब नेक्स्ट देखो, पाई चार्ट भी ऐसे ही बना सकते हैं। अब सपोज मुझे नेम और एज का, इंग्लिश के मार्क्स का लेते हैं पाई चार्ट बनाने हैं, तो दोनों कॉलम साथ में कैसे सिलेक्ट करते हैं? पहले नेम वाला कॉलम सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल प्रेस करके इंग्लिश वाला कॉलम सिलेक्ट करो, ट्राई करो ये चीज़, फिर वापस तुम लोग इंसर्ट में जाके पाई चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। देखो करो ट्राई, क्लियर हुआ ये चीज़? तो ये सब बेसिक ओवरव्यू है चार्ट का, जनरली यही सारा फीचर्स ही यूज़ करेंगे। चार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट वाई, अगर 4 मार्क्स का सपोज आया, ये 4 मार्क्स का आ गया, ये मेरा चार्ट क्या नहीं आया, क्यों? शॉर्टकट बता रहे हो उसको ये? हाँ, कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा और फिर इंग्लिश वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। सिर्फ एक ही बच्चा सीख रहा है मेरी क्लास में, कुशल, वो ही सिर्फ शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, कोई नहीं यूज़ कर रहे। ये आया सबका बना? तो ये बेसिक ओवरव्यू है मेन। अगर सपोज ये 4 मार्क्स का आते हैं तो उन लोग क्या देखेंगे? उन लोग ये देखेंगे कि तुम लोग चार्ट कैसे बना रहे हो, ये पाई चार्ट तो बहुत ही कम आते हैं। सपोज मेरा ये वाला कॉलम चार्ट आया तो लोग देखेंगे तुम लोग एक्स और वाई एक्सिस को लेबल कैसे कर रहे हो, एक्स और वाई एक्सिस को लेबल कैसे कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है, लेबल नहीं करोगे तो समझ। यहाँ पे बहुत सिंपल था नेम और मार्क्स, जब हम लोग इंटरेस्ट रेट ये सब पे डील करेंगे तो अच्छे से लेबलिंग करना पड़ेगा। चार्ट टाइटल होना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी मार्क्स होते हैं। उसके बाद कैसे हम लोग कौन सा चार्ट यूज़ कर रहे हैं, सपोज अभी मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट यूज़ किया, अगर हमने लाइन चार्ट यूज़ कर लिया होता इसके बदले, लाइन चार्ट यूज़ कर लिया होता, करके देखो, एक लाइन चार्ट भी बना के देख लो, एक लाइन चार्ट भी बना के देखते हैं हम लोग। बना मेरा लाइन चार्ट ये वाला? कौन सा बेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन चार्ट या फिर कॉलम चार्ट? ऑब्वियसली कॉलम चार्ट बेटर रिप्रेजेंट करे तो मार्क्स डिडक्ट होगा,
तो कौन सा टाइप ऑफ चार्ट सेलेक्ट करी उस पर भी मार्क्स रहते हैं। फिर कैसे प्रेजेंट कर रही हो, टाइटल, एक्सेस टाइटल, लेजेंड, ये वाला आप डेटा देखना। सपोज एक बार इग्नोर करो कि क्या है, बस ऐसे देखो चार्ट अगर ये बन रहा है मेरा, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 60 के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मेट कर सकते हैं एक्सेस को। हम लोग मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 60 से, 60 से कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू स्टार्ट हम लोग। और सिमिलरली मेजर यूनिट को हम लोग चेंज करके 5 कर सकते हैं। अब देखना रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, जस्ट बिकॉज ये वाला डेटा पे ये सूट नहीं कर रहा चार्ट, तो हम लोग इसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। अगर मैं ये कंटिन्यूस डेटा होता तो हम लोग बेटर इंटरप्रेट कर पाते। क्लियर हो रहा है ये चीज़ सबको? क्लियर हुआ? तो ये बेसिक फीचर्स है कि चार्ट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इन एक्सेल। जैसे जैसे आगे हम लोग देखेंगे सिलेबस में और हम लोग को समझ में आएगा। बेसिक यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन में कलरिंग एंड ऑल चेंज कर सकते हो, पर ऑब्वियसली इतना टाइम मिलेगा नहीं। ये वाला लास्ट लाइन तो बिल्कुल ही मत यूज़ करना, सेकेंड लास्ट लाइन भी थोड़ा ट्राई करना मत यूज़ करो। ये सब कर सकते हो बट देन इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम लोग बैठ के कलर्स एंड ऑल सेलेक्ट करो। हाँ, ऑब्वियसली उसका चार्ट का फीचर्स बहुत अच्छा है 16 का। तो ये सारा है। फॉर्मेट में भी हम लोग चार्ट टाइटल को फॉर्मेट कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं, पर हम लोग अभी ये सब नहीं करेंगे। एग्जाम में ऑब्वियसली इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा। ये सारा चीज़ क्लियर हुआ? मार्क्स किस पे है, कौन सा टाइप ऑफ चार्ट सेलेक्ट करें उस पर 1 मार्क मिलेगा, चार्ट टाइटल एक्सेस टाइटल कौन सा है, क्या डेटा कौन सा रिप्रेजेंट करो, तो वो सारा चीज़ फिर इस पर कमेंट कैसे करो उस पर पूरे पे मार्क्स मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक देखें, चार्ट हमें समझ में आ गया, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम, स्टैक्ड कॉलम, लाइन चार्ट, स्कैटर प्लॉट, दीज आर द वेरियस ग्राफ्स। और ये वाला जो मेरा चार्ट एलिमेंट्स था वो भी हमने समझ लिया। ऑब्वियसली एक्सप्लिसिटली ये सब चीज़ पूछा नहीं जाता है, जो हम लोग बनाए वो भी क्लस्टर्ड है। हाँ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बनता, जैसे पहले मैथ्स बना फिर उसके ऊपर इंग्लिश बनता, वैसे उसका भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पिवट टेबल। पिवट टेबल फिर से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन एक्सेल, बट हम लोग CM1 के कोर्स में एंड CM2 के कोर्स में कभी ये सीखेंगे नहीं, ये कभी अप्लाई नहीं करेंगे। बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि एक्सेल अगर पता है तो पिवट टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो, तुम लोग के पास ये वाला टेबल था ना, प्रैक्टिस शीट में कॉपी कर लो। प्रैक्टिस शीट में ये वाला टेबल था सबके पास, कॉपी कर लो इसको, टेबल को, इसी पे हम लोग करेंगे। फर्स्ट वाली शीट में था ये वाला टेबल, उसका जरूरत नहीं है। वो बीच का जो कॉलम है दो ठो, उसको डिलीट कर दो, ऐसे सिलेक्ट करना ऊपर से एंड डिलीट कर देना, ऐसे ऊपर से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना, यूनिट्स और यूनिट कॉस्ट, बस टोटल चाहिए, आइटम, रेप नेम, रीजन। अच्छा, क्योंकि तुम लोग का वो फॉर्मूला ज़ीरो आ जा रहा होगा वहाँ पे, ज़ीरो आ जा रहा होगा वहाँ पे। तो एक काम करो, ये जब कॉपी करोगे पेस्ट वैल्यूज़ करो, पेस्ट वैल्यूज़ करो, पेस्ट स्पेशल में हम लोग क्या, सपोज़ ये कॉपी कर रहे हो, तुम लोग ये कॉपी कर रहे हो, तो जब पेस्ट करोगे तो यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन में पेस्ट वैल्यूज़ करना, खाली पेस्ट स्पेशल में सीखे थे पेस्ट वैल्यूज़ करना। हाँ ठीक है, वैसे कर लो फिर, तीनों करो एंड कंट्रोल प्रेस करके, ये एक ही बात है। और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यूज भी करोगे तो भी आ जाएगा पेस्ट वैल्यूज। सिलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट में, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यूज,
हाँ करो, या फिर एक, अच्छा उसमें तो वो है ना, ठीक है करो जल्दी करो, 2 मिनट लगना चाहिए कॉपी करने में, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लियर हुआ ये कैसे करना है? कॉपी पेस्ट, चलो अब यहाँ देखो। किया, नेक्स्ट देखो पिवट टेबल अब कैसे बनाएंगे। सबसे पहला चीज़ तो ऑब्वियसली पूरा कॉलम मेरा, पूरा टेबल मेरा सिलेक्ट होगा, पूरा टेबल मेरा सिलेक्ट होगा, कर लो पूरा टेबल सिलेक्ट। फिर इंसर्ट में जाना, इंसर्ट में जाना, यहाँ पे देखना पिवट टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, पिवट टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करो। फिर देखना दो ऑप्शन आया, पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट, तो हम पिवट टेबल करेंगे, तो हम पिवट टेबल सिलेक्ट करेंगे। कुछ नहीं करना है, ये मेरा पिवट टेबल का रेंज सिलेक्ट हुआ है, न्यू वर्कशीट पे ओपन हो जाएगा, करंट वर्कशीट पे नहीं चाहिए मुझे। ओके किया एंड देखना ये ऐसा मेरा एक न्यू शीट बन जाएगा, देखो। हाँ तो पिवट टेबल वाला करो ऑप्शन। हाँ चार्ट करोगे अगर तो उसमें टेबल भी आता है, और चार्ट वाला फिर डिलीट कर देना, अभी नहीं चाहिए मुझे चार्ट। हाँ ठीक है, देखो एक बार उसका। करेंगे रुको, भूख लग रहा है इसे। करते हैं रुको, पिवट टेबल में पिवट टेबल वाला सिलेक्ट करो तो ये ओपन हो जाएगा, ये वाला शीट। सबका ये शीट आ गया क्या? कुछ नहीं करना था, टेबल सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके पिवट टेबल, पिवट टेबल सिलेक्ट करो और यहाँ पे ओके कर दो, ठीक है। आया सबका ये, उसको मज़ा आ रही करने में है ना। नहीं 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 ऐसा नहीं होता है। कौन सा वर्जन है, क्या हो रहा है? अरे तुम यहाँ पे नीचे में क्लिक नहीं कर रहा, एरो पे क्लिक करो, इस पे डायरेक्टली क्लिक करेगा तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। नहीं तो तुम क्या किया, Alt+10 V T करो फिर वापस। देखो यहाँ पे सबका आया, अब यहाँ देखते हैं आया ना तुम्हारा, करो। क्या ठीक है, हम देखते हैं आगे।
नहीं आया क्या उसका? आ गया। अब यहाँ ध्यान दो, बेसिकली मेरे पास ये एक टेबल था। अब अगर सपोज मुझे अलग अलग तरीके से इसी टेबल को फॉर्मेट करके इंटरप्रेट करना है, तो हम लोग पिवट टेबल यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसको हम लोग स्लाइसिंग एंड डाइसिंग बोलते हैं। स्लाइस एंड डाइस द टेबल, मतलब कि हम लोग कॉलम्स, किसी को भी कॉलम्स बना सकते हैं, किसी को भी रोज बना सकते हैं, एंड अपना एक न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। तो स्लाइसिंग एंड डाइसिंग द टेबल हो गया, ये सारा चीज़ आ रहा है। दीज आर माई कॉलम हेडिंग्स, जो मेरा कॉलम हेडिंग्स था। अब यहाँ देखो कॉलम लेबल्स, सपोज कॉलम में मुझे चाहिए आइटम, तो सिंपली आइटम को ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे कॉलम लेबल में। देखो ऊपर में आइटम आ गया सारा। अब यहाँ ध्यान देना, फिर खुद से करना। टोटल वाला क्या था मेरा, जो मेरा वैल्यूज़ था, तो ये जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ का ऑप्शन है, इसमें हमेशा जो मेरा वैल्यूज़ रहेगा वो डालेंगे। मेरा वैल्यूज़ टोटल था, उसको ड्रैग करके वैल्यूज़ मिलाए। दिख रहे हैं अभी कैसा? ये दिखा सबको, ये बना सबके लिए। अब यहाँ ध्यान दो, ये क्या हुआ है बेसिकली, जैसे कि मुझे जो टोटल था, टोटल जो सेल्स था, बाइंडर का टोटल सेल्स, मतलब इस टेबल में जितने भी बाइंडर थे मेरे आइटम्स, उन सब का टोटल सेल्स यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली डेस्क पेन सो ऑन, एंड ये जो था, ये मेरा पूरा जो टेबल है टोटल सेल्स का, जो मेरा कॉलम है, उसका पूरा टोटल ग्रैंड टोटल यहाँ पे ऐड हो गया। ये चीज़ समझ में आया? और क्या ऑप्शंस डाल सकते हैं? ये जो रीजन है, सपोज मुझे इसे लेबल्स में डालने, रोज़ में डालने हैं, तो यहाँ पे ड्रैग करके लेके गए। देखो अब बाइंडर का सेल्स ईस्ट रीजन में कितना हुआ, पेन का सेल्स वेस्ट रीजन में कितना हुआ, वैसे पूरा आ जाएगा। ये वाला क्लियर हुआ? कैसे करते हैं, क्लियर हुआ? अब हम लोग को अगर चेंज करना है, वापस वापस चेंज करना है, मुझे यहाँ पे रेप नेम्स डालने हैं। रेप नेम्स आ जाएगा, एक से ज़्यादा भी डाल सकते हो। सपोज आइटम डाला हुआ है इधर, आइटम डाला हुआ है ये वाला। हाँ, क्या कोई भी में चला जाएगा जहाँ पे? हाँ, ये वाला क्लियर हुआ। यहाँ पे हम लोग इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज ये जो ड्रॉप डाउन, जैसे फिल्टरिंग करते हैं ना ड्रॉप डाउन, वैसे यहाँ से जो भी जिस रैप का चाहिए उस रैप को सिलेक्ट करके भी हम ला सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये चीज़ है, देखो और भी बहुत तरीका है। अब एक और यहाँ पे जो रिपोर्ट फिल्टर वाला ऑप्शन है, बेसिकली ये क्या है, फिल्टर क्रिएट करना है। अब मुझे सपोज रीजन का एक फिल्टर क्रिएट करना है, कैसे करेंगे? मुझे रीजन ना ही रोज में चाहिए और ना ही कॉलम्स में चाहिए, अलग से ही मुझे एक उसका फिल्टर क्रिएट करना है। तो ये हम लोग रिपोर्ट फिल्टर यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको जब ड्रैग करके लेके जाओगे, ड्रैग करके लेके जाओगे, तो यहाँ पे बिकॉज रैप नेम है ना, तो अब हम लोग क्या? हाँ, ऊपर आएगा। आ रहे तुम लोग का?
यहाँ पे एक लेफ्ट में आना चाहिए ये। सबका आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे भी आ रहा था। हाँ, तो ये देखो ये हटा देते हैं, रैप नेम बहुत अजीब लग रहे हैं यहाँ पे। ये दिख रहा है सबको? आया सबका ऐसा? यहाँ पे मेरे को यहाँ पे रीजन दिखाना है कि कैसे फिल्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तुम लोग अब कैसे भी यहाँ पे रख सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करते हैं कि डेटा कैसे इंटरप्रेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरा बेसिकली ये बाइंडर का जो सेल्स दिया हुआ है ये सारे रीजन्स के लिए दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे हम लोग खाली ईस्ट वाले को सिलेक्ट करें, ओके करें, तो ये सिर्फ मेरा ईस्ट रीजन का सेल्स आएगा। ईस्ट रीजन का सेल्स आया कैसे? बेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ये ईस्ट रीजन का सेल्स आया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आइटम्स। बन रहा है क्या सबका ऐसा? सबका एक और चीज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिंग जैसे मुझे चाहिए। यहाँ पे हम रैप नेम्स डाल दिया हमने, तो सबका ईस्ट रीजन का डिफरेंट आइटम्स का सेल्स बाई डिफरेंट रेप्स देख लो। क्लियर हो रहा है कैसे करते हैं? क्लियर हो रही है ये चीज? अब यहां देखना, यहां पे ये जो सम ऑफ टोटल आ रहा है, जो टोटल कॉलम था ना मेरा, उसका सिर्फ सम आ रहा है यहाँ पे। बेसिकली ये क्या है? ये वाला फिगर क्या डिनोट करता है? ईस्ट रीजन में बाइंडर का टोटल सेल्स। ये वाला फिगर क्या डिनोट करता है? ईस्ट रीजन में सपोज ये वाले रेप का बाइंडर का कितना सेल्स है, टोटल सेल्स, ये नंबर डिनोट कर रहा है। अब मुझे चाहिए काउंट ऑफ सेल्स, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये सम ऑफ टोटल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। दिख रहे हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स? इस पर क्लिक करना। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या चूज़ किया हुआ है? सम। इसे काउंट करते हैं, सिलेक्ट, काउंट आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ईस्ट रीजन में बाइंडर का इस रेप ने कितना सेल्स किया? 3 सेल्स किया। सिमिलरली प्रोडक्ट, सम, जो भी चाहिए, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, जैसे भी चाहिए वो हम लोग ला सकते हैं। कैसे? इस पर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, एंड यू कैन चेंज जैसा भी टाइप ऑफ समराइज करने अपने डेटा को, जिस भी टाइप में, हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़ सबको? यही तरीका है, डिफरेंट वेज है कैसे हम लोग अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग अ पिवट टेबल। ये एक चीज़ है। एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये मेरा पिवट टेबल था। सपोज हम इसे वापस एक बार सम करते हैं। वापस एक बार सम करते हैं, और ये मेरा ईस्ट रीजन है ना? ठीक है, तो ईस्ट रीजन में फर्स्ट वाला ईस्ट रीजन था, पेंसिल का सेल्स 189 दिया हुआ है, इसे हम 250 कर देते हैं एक बार के लिए। कुछ भी डाल दो 250 करके देखते हैं। तो क्या मेरा शीट 1 में ईस्ट रीजन है, पेंसिल का सेल्स चेंज होना चाहिए था, पर वही था, ये जो 363 था पहले वही है, चेंज नहीं हुआ। समझ रहे हो? पहले मेरा 186 था ना शायद उसमें, तो वहाँ उस समय भी मेरा यहाँ पे 363 ही था। अगर तुम लोग ने किसी ने चेंज नहीं किया है तो देखो 363 ही होगा यहाँ पे। जब चेंज कर दोगे उसके बाद भी यही रहेगा, मतलब वहाँ से हमने अपना टेबल चेंज किया पर मैं पिवट टेबल चेंज नहीं हुआ। कैसे चेंज करेंगे? राइट क्लिक करेंगे,
रिफ्रेश करेंगे तो देखो मेरा वैल्यू चेंज हो गया, 363 से 424 हो गया। कुछ नहीं करना है, बस प्रिविट टेबल पर राइट क्लिक करके उसे रिफ्रेश करना है। तो जितने टाइम जितने बार हम लोग अपने ओरिजिनल टेबल का वैल्यूज़ को चेंज करेंगे उतनी बार हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी मेरा पिवट टेबल का डेटा चेंज होगा, अदरवाइज़ वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका है पिवट टेबल यूज़ करने का। यहाँ पे पिवट चार्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते थे, उसमें भी जैसे क्या है, जो कॉलम्स जो एक्स एक्सिस पे चाहिए वो ड्रैग करोगे, जो वाई एक्सिस पे चाहिए वो ड्रैग करोगे, जो बीच में चाहिए वैसे करके हम लोग अपना चार्ट भी बना सकते हैं। एक देख लेते हैं खाली, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, एक देख लो खाली। जब पिवट चार्ट इंसर्ट करते हैं तब पिवट टेबल भी आता है साथ में। ठीक है, नहीं आ रहे मतलब? ठीक है, हम देख रहे हैं। यहाँ देखो टोटल ड्रैग किया वैल्यूज में, आइटम्स ड्रैग किया लेजेंड फील्ड्स में, तो अपने आप देखो क्या बन गया, एक चार्ट टोटल बन गया डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट आइटम्स। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं पेन का, खाली चाहिए तो खाली पेन का। रीजन डाल सकते हो फिल्टर में, बहुत ही सूटेबली हम लोग अपने डेटा को दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये क्या आ गया, ईस्ट रीजन का मेरा पेन पेन सेट पेंसिल का सेल्स इन द ईस्ट रीजन। मैंने क्या किया, यहाँ पे रीजन का फिल्टर डाला। हाँ, सब आएगा। हाँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ रहे, देखो हर के लिए वही। तो बेसिकली क्या होता है, पिवट टेबल से बार बार अलग अलग टाइप से चार्ट, ऐसा चार्ट हम लोग बना भी नहीं सकते थे सिंपल चार्ट यूज़ करके, तो पिवट टेबल से हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट बना लिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल बना लिए, ताकि इंटरप्रिटेशन मेरा बेटर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, वैल्यूज़ में सम ऑफ टोटल डाला, यहाँ पे मैंने आइटम डाल दिया। तुम लोगों को कुछ और भी डालना हो कुछ और भी डाल सकते हो। रीजन डाल दिया फिल्टर में, तो ईस्ट रीजन का मैंने ये सारे तीनों आइटम्स का सेल्स निकाले। करके देखो तुम लोग का क्यों नहीं आ रहा। क्या है ये, दो दो करो सिलेक्ट टेबल। रुको, रिकमेंडेड में भी देख चुका, कस्टमाइज का ऑप्शन में भी जाके देख रहे हैं। वो फाइल में जाके एकदम डिफॉल्ट में जो रहता है उस पे चेक करें। करो नहीं तो हम देखते हैं कौन सा वर्जन है तुम्हारा, तुम्हारा कैसे बनाई है। ठीक है, बना सबका ये। अरे अब इसको लेके करते रहना, बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। अपने छोटे भाई बहनों को दिखाना, बहुत मजा आएगा उनको। ठीक है, ये चीज नेक्स्ट देखे, लास्ट एकदम सिनारियो मैनेजर, वो भी कभी यूज़ नहीं करोगे CM1 में, बट स्टिल करते हैं हम लोग। ये सारा कॉपी कर लो जल्दी से,
टाइप करने में खाली 1 मिनट लगना चाहिए। ये सारा टाइप किया हुआ है एंड इन दोनों में इक्वेशन यूज किया हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस कैसे किया मैंने, सम ऑफ ये पूरा, सेविंग्स कैसे किया, इनकम माइनस ये पूरा सम करो। ब्राइटनेस बेटर हुआ अभी, एक्चुअली वहां से करना पड़ेगा चेंज मुझे। यहां देख लो ना, यहां पे दिखेगा। मंथली इनकम 2000, रेंट 700, ट्रैवल 70, फूड 250, शॉपिंग 200, इलेक्ट्रिसिटी 20, फोन 35, गैस 20, वाटर 15। हाँ, टोटल एक्सपेंसेस में ये सारे का सम ले लोगे, और सेविंग्स क्या होते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। मतलब आया सबका बना? ये क्यों करा रहे हैं देखो, सिनेरियो मैनेजर बेसिकली क्या होता है, सपोज एक मैनेजर है कंपनी में, उसको क्या बोला है वो अपना, अच्छा यहाँ पे इस अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हम लोग सीखते हैं। मेरा इनकम सपोज 2000 है, ठीक है, सपोज 2000 है। अब मुझे देखना है कि मेरा सेविंग्स कितना निकलेगा अगर मैं अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस थोड़ा कम करूँ या शॉपिंग एक्सपेंस कम करूं, तो डिफरेंट सिनारियोज मुझे एक साथ कंपेयर करना है और फिर देखना है कि कौन सा सिनारियो मुझे बेस्ट सूटेड रहेगा, सो दैट आई विल फॉलो दैट सिनारियो इन माय फ्यूचर। ठीक है, बेसिकली ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सिनारियो मैनेजर का, कुछ नहीं करना है। ये टेबल मैंने सिलेक्ट, ये मैंने टेबल है मेरा, ये इसे रहने दो। डेटा टैब में जाओ, वॉट इफ एनालिसिस सिनारियो मैनेजर, वॉट इफ एनालिसिस सिनारियो मैनेजर, यहाँ पे ऐड ऐड करेंगे अपना एक न्यू सिनारियो। सिनारियो नेम में देते हैं, सपोज एक ओरिजिनल सिनारियो रखते हैं, एक ओरिजिनल सिनारियो रखते हैं, या फिर ओरिजिनल नहीं रख के एक नेम दो एक सिनारियो का, केस वन, केस वन, ठीक है, केस वन। बाय चेंजिंग देखना, बाय चेंजिंग वाले में क्या क्या चेंज हो सकते हैं, मेरा इनकम चेंज हो सकता है, हो सकते हैं, यहाँ पे लेते हैं कि चेंज हो सकता है इनकम, ठीक है, चेंज हो सकता है मेरा इनकम, मेरा सारा एक्सपेंसेस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इन सबको सिलेक्ट किया मैंने, हाँ सबको साथ में कर लो, पहले ये इनकम वाला सिलेक्ट करना, कॉमा दे के ये सारा सिलेक्ट करना, देख लो मैंने कॉमा दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये आया, ओके करूं। अब देखो यहां पे अपने आप क्या आ गए, ये दिख रहा है बेसिकली ये सारा जो इनपुट्स है जो मैं चेंज कर सकती हूँ यहाँ से अपने न्यू सिनेरियो में। मैं क्या चेंज करूँ, सपोज मुझे अपना शॉपिंग एक्सपेंस कम करना है, शॉपिंग एक्सपेंसेस B8, B8 में मुझे शॉपिंग एक्सपेंस को करना है 200 से सपोज 150। ये मेरा एक केस है, फर्स्ट केस में मैं अपना शॉपिंग एक्सपेंस कम करूँ, ओके किया, ये आ गया ऑप्शन वापस। आया सबका, 150 कर दो, ठीक है। अब इसका मुझे समरी चाहिए, रिजल्ट सेल्स दिख रहे हैं, रिजल्ट सेल्स मतलब कि कौन सा दो, कौन सा सेल्स जिस पे इफेक्ट होगा बाय चेंजिंग द इनपुट सेल्स, तो मेरा एक्सपेंस और सेविंग्स दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक सिलेक्टेड है मेरा, ये एक सिलेक्टेड है,
और एक इसको सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्रेस करके करो, कॉमा दे के करो, आ जाएगा। ये दोनों सेल सिलेक्ट कर लो इन द रिजल्ट सेल। आया सबका? हाँ नहीं आया? समरी पे क्लिक करो तब आएगा। ठीक है, ओके किया। देखो न्यू, हाँ नाम बदल गया मतलब। मतलब हाँ या अच्छा, ये क्या, ये क्यों आ रहा है पता है? ये क्यों आ रहा है, इसको हम लोग करेंगे अभी। पहले ये समझो कि क्या हो रहा है, इसको भी करते हैं। पहले ये समझो ये मेरा क्या था। अच्छा यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है इसकी वजह से। तो एक काम करो, हम लोग को ये सारे सेल्स को रीनेम करना पड़ेगा तब भी होगा। क्या हुआ, आ रहा नहीं आया तुम्हारा? मतलब मे बी तुमने चेंज नहीं किया, डिलीट नहीं किया होगा पूरा 200। कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो, वो कर लेना वापस नेक्स्ट वाले में। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में यहाँ पे देखना सेल्स का रेफरेंस आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऑब्वियसली एक्सेल को पता नहीं कि ये वाला सेल क्या रिप्रेजेंट करता है। बस उसे पता है कि ये मैंने इनपुट लिया है और ये मैंने आउटपुट लिया, बस ये पता है। ये नहीं पता कि ये सेल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली ये तो लिखा हुआ आएगा नहीं, तो उसके लिए हमें ये वाला सेल रीनेम करना पड़ेगा। तो अगर हम ये सेल रीनेम करेंगे, सब कुछ इसको कर दो इनकम, फिर इसको कर देते हैं रेंट, सारे को करो ट्रैवल, रीनेम करते जाओ सबको। फूड शॉपिंग नहीं, यही ऑप्शन है। 2 मिनट लगेगा, इसका शॉर्टकट नहीं है कुछ। टोटल एक्सपेंस सेविंग्स, मैंने सारा रीनेम कर लिया। करो जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए रीनेम करने में। फर्स्ट लेटर्स कर लो, नहीं तो खाली रेंट के लिए आर, ट्रैवल के लिए टी। अब यहाँ ध्यान दो, वापस सेम चीज़ करते हैं। सिनेरियो मैनेजर, ये मेरा केस वन ऑलरेडी एक एडिट था ना, इसे डिलीट कर देते अभी के लिए। एक और ऐड करो केस वन बाय चेंजिंग सेल्स में। एक तो मेरा, हाँ फिर से करना है, फिर से करो, करना पड़ेगा। नहीं तो अगर डिलीट नहीं करना तो ऐड कर दो एक और। अब यहाँ देखो, अब देखना मेरा सारा। अच्छा ये वाला सेल रीनेम ही नहीं हुआ क्या मेरा? पी 8 इलेक्ट्रिसिटी को मैंने शॉपिंग कर दिया है। कोई बात नहीं, तुम लोग सही से करना प्लीज़। तो यहाँ पे मुझे सपोज गैस, गैस तो कम नहीं हो सकता। फूड कम करते हैं, फूड को हम कर देते हैं 200, 250 से। ठीक है, फूड को मैंने 250 से 200 कर दिया। सेम चीज़ वापस समरी निकालो,
अब देखो, अब मेरा सही आ रहा है मेरा, मैंने एक्चुअली शॉपिंग रीनेम कर दी, गैस इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए था और ये शॉपिंग होना चाहिए था। अब यहाँ पे आ रहे लिखा हुआ सेल रेफरेंसेस की जगह पे सेल नेम आ रहे है, ठीक है, सेविंग्स चेंज होना पड़ेगा। ये अगर सेविंग्स इंक्रीज हो जाएगा ना, एक्सपेंस कम कर दिया। नहीं क्या, ओ ओरिजिनल से कंपेयर करो, करंट वैल्यू से, करंट वैल्यू से कंपेयर करो। तो ये सारा सेम है, ये दोनों सेम है, चेक करो। और ये फिर सेम आ रहे हैं। सेविंग्स में तुमने 690 टाइप किया था, हाँ जाके देखो, इनकम माइनस एक्सपेंस नहीं किया तुमने। रीनेम नहीं हो रहा है, हाँ इस पे क्लिक करो। एंटर करना होता है, आया भी सबका। तो ये केस था, यहाँ पे हम लोग और भी सिनारियोज ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, वापस सेम चीज़ करेंगे सिनारियो मैनेजर, और भी सिनारियोज हम लोग केस टू केस थ्री करके ऐड कर सकते हैं। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मेरा सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन मेरे लिए कौन सा है, जिसमें मेरा सेविंग सबसे कम आ रहा है, एंड वो वाला हम लोग फिर सिनारियो फॉलो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ करते हैं हम लोग सिनारियो मैनेजर से। ये बहुत ही एक छोटा एग्जाम्पल था। जनरली क्या होता है, जनरली कंपनीज में अगर सपोज इंटरेस्ट रेट्स कभी चेंज हो रहे हैं, या पर्टिकुलर इनकम रेट या इन्फ्लेशन रेट चेंज हो रहा है, जो भी इनपुट्स होते हैं सारे इकोनॉमी के, वो क्या हो सकते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग सिनारियो मैनेजर यूज़ करते हैं। देखते हैं कि डिफरेंट सिनारियोज में मेरा क्या आउटपुट आ रहा है, एंड कौन सा बेस्ट आउटपुट है, उसके अकॉर्डिंग वील वर्क, ठीक है। तो ये होता है सिनारियो मैनेजर का यूज़। अभी के लिए तुम लोग इतना ही समझो, घर जाके इस पे कोई असाइनमेंट नहीं बनाया मैंने, पिवट टेबल प्रैक्टिस करना, ग्राफ्स प्रैक्टिस करना, सिनारियो मैनेजर प्रैक्टिस करना अच्छे से कि क्या होता है। ग्राफ्स एग्जाम में आएंगे, पिवट टेबल सिनारियो मैनेजर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बस हम लोग ने सीखने के लिए कि फीचर्स क्या है वो सीखा है, ऐसे नहीं आएंगे। बीच बीच में और भी फीचर्स ऐसा मुझे कुछ कुछ मिले जो तुम लोग के यूज़ में है, तुम लोग के लेवल पे, वो हम लोग और भी सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि CM1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें सब एक्सेल सीखना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ यहाँ तक, बस यहीं तक टॉपिक्स करेंगे बेसिक क्लास में। बेसिक क्लासेस ख़त्म हो गए हमारे, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे CM1 से, नेक्स्ट क्लास से। तो सबसे पहले तो